नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। आज हम बनाएंगे गुरुद्वारे जैसा हलवा, बिल्कुल नए और आसान तरीके से। गुरुद्वारे में जाने का तो अलग ही एहसास होता है, उसका तो किसी भी चीज़ से कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन जो ये आज हम हलवा बना रहे हैं, जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद खा रहे हैं। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो चलिए बनाते हैं गुरुद्वारे जैसा हलवा। हलवा बनाने के लिए लेंगे एक कटोरी गेहूँ, इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया, और इसी कटोरी से नापकर सारी चीज़ें लेंगे हलवा बनाने के लिए। अब गेहूँ को कढ़ाई में डाल देंगे और इनको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे। गेहूँ को चम्मच से लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से सिके। गेहूं को जलाना नहीं है। जब इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा और ये चटकने लगेंगे, तभी तक इनको भूनेंगे। हलवा बनाने का ये बिल्कुल नया तरीका है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। यदि आपके पास घर में गेहूं नहीं है तो आप इसी तरीके से दलिये से भी हलवा बना सकते हैं। आजकल सभी पैकेट वाला आटा लेकर आते हैं, गेहूँ तो घर में रखते नहीं। पैकेट वाले आटे से हलवा अच्छा नहीं बनता। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये हलवे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंच जाए। 4 मिनट हो गए इनको भूनते हुए, इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया और ये चटकने भी लगे हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे, और अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। गेहूं ठंडे हो गए, अब लेंगे मिक्सी का जार और इसमें ये गेहूं डाल देंगे। एक बार में आधे गेहूं ही पीसेंगे, क्योंकि हमारा मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है, तो इनको 2 बार में पीसेंगे। ये देखिए, इसको इतना ही बारीक पीसना है। अब इसको बॉल में निकाल लेंगे, और अब ये जो बचे हुए गेहूँ हैं इनको भी पीस लेंगे, इसको भी बॉल में निकाल लेंगे। सारे गेहूं का आटा बना लिया। ये आटा थोड़ा मोटा है, इससे हलवा बहुत अच्छा बनेगा। गुरुद्वारे में भी इतने मोटे आटे का ही हलवा बनता है। ये जो पैकेट वाला आटा होता है ये बहुत ही बारीक होता है, तो इसका हलवा अच्छा नहीं बनता। ये जो हमने आटा बनाया है इसका बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। अब इसको छान लेंगे मोटी छलनी से, आटा छानने वाली छलनी से भी छान सकते हैं या इस तरह की छलनी से भी छान सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, छलनी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं। छानने के बाद इसमें जो ये दलिया निकला है इसको हलवे में नहीं डालेंगे, इसको साइड में रख देंगे। अब ये जो हमने गेहूं का आटा बनाया है इसको कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे एक कटोरी देसी घी, जिस कटोरी से नाप कर गेहूँ लिए थे उसी कटोरी से नाप कर घी लेना है। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे। जिस कटोरी से गेहूँ नाप कर लिए उतना ही घी डालना ज़रूरी है। 1 या 2 चम्मच घी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, घी कम नहीं होना चाहिए। यदि घी कम हुआ तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। इसको चम्मच से चलाते रहना है, ये जो आटा है जलना नहीं चाहिए। आप इसमें घी की बजाय अपनी पसंद का कोई भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं डालना, क्योंकि उसमें हल्की सी स्मेल आती है, तो इसकी वजह से हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लोग इस हलवे को देसी घी में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसका कलर अपने हिसाब से डार्क या लाइट कर सकते हैं। यदि आपको हलवे का कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो थोड़ा और भून सकते हैं, लेकिन हम इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लाइट ही रखेंगे। 4 मिनट हो गए आटे को भूनते हुए, इसमें घी सेपरेट हो गया और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको इतना ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। आप इसमें डालेंगे 4 कटोरी पानी, पानी गर्म ही डालेंगे, और पानी भी उसी कटोरी से नाप कर डालेंगे जिस कटोरी से गेहूँ लिए थे। आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने 1 कटोरी गेहूँ लिए थे और 4 कटोरी पानी डाला है। पानी डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक मिलाया है, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी,
अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी भी हमने उसी कटोरी से नाप कर डाली है जिस कटोरी से गेहूं नाप कर लिए थे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे जो हमने इसमें ये चीनी डाली है बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो कम है और ना ही ज़्यादा, बहुत ही टेस्टी और दानेदार हलवा बना है। ये देखिए हलवे में से घी सेपरेट हो गया। कभी भी आप आटे का हलवा बनाएंगे तो इसी तरह से गेहूं को भूनकर उसका आटा बनाकर ही हलवा बनाना, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आप इस तरीके से आटे का हलवा बनाकर अपने परिवार को खिलाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। चीनी डालने के बाद हमने इसको 4 मिनट और पकाया है, ये अच्छे से पक गया। अब हमारा गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे।